अयोध्या में देर रात हुए एक हादसे ने पूरे जिले को दहला दिया है। ये हादसा हुआ तो अयोध्या में, लेकिन इसकी आवाज लखनऊ तक पहुंच गई। यहां सीएम भी इस हादसे को सुनकर बिल्कुल परेशान हो गए और हादसे में घायल हुए और जान गंवाने वाले लोगों के लिए संवेदना जताई। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। पूरा देश आज ईद मना रहा है, लेकिन अयोध्या में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे कई घरों में मातम पसर गया। ये हादसा अयोध्या के लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर पेश आया है। जानकारी के मुताबिक एक प्राइवेट बस बस्ती से लखनऊ जा रही थी, इसी दौरान अचानक मार्बल डस्ट से लदा हुआ एक ट्रक बाईपास पर बस के ऊपर ही पलट गया। जानकारी के मुताबिक दर्शन नगर चौकी क्षेत्र के पास एक बाईपास मौजूद है। यहाँ सिर्फ एक ही कट है जो अंबेडकर नगर की ओर जाता है। यहाँ पर कोई भी बड़ी गाड़ी एक बार में इस कट से नहीं मुड़ सकती, लिहाजा एक बार गाड़ियों को बैक करना ही पड़ता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बस यहाँ से मुड़ने के लिए शायद बैक हुई हो और तभी तेज रफ्तार ट्रक उस पर पलट गया हो। मामले पर डीआईजी का कहना है कि रात 8 बजे उन्हें इस घटना की जानकारी मिली और मौके पर तुरंत रेस्क्यू टीम को रवाना करते हुए डीआईजी खुद मौके पर पहुंच गए। शाम को लगभग 8 बजे के आसपास सूचना मिली थी, यहाँ पे बस्ती से एक बस लखनऊ की तरफ जा रही थी। उस समय यहाँ पे हाईवे पर, लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर, जो ट्रक मोड़ते समय दोनों बीच में हादसा हो गया था, उसके वजह से बस का पूरा पलट गया था और ट्रक भी पलट गया था। उसके बाद तुरंत सूचना मिलती, पुलिस मौके पर आई थी, मौके पर आते तुरंत सबको रेस्क्यू किया है। अभी लगभग यात्री 40 लोग था, उस पर 7-8 लोग गंभीर रूप से घायल है, सबका हॉस्पिटल पहुँचा हुआ है। वहाँ पर सीएमओ साहब हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, हमारा पुलिस टीम मौके पर है, सब चीज़ हम लोग वेरीफाई कर सबका बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे मौके पर सभी यात्री सब कुछ निकाल दिया हम लोगों ने, ट्रक को बस से सबको चेक कर लिया, वहाँ कोई आदमी नहीं है। बाकी डिटेल्स बाद में हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलेगा, उसके बारे में अभी हॉस्पिटल से वहाँ पे हम सबको भेज दिया हूँ, अभी डॉक्टर साहब से वेरीफाई करने के बाद पता सकता है। अभी हम लोग मौके पर रेस्क्यू कर रहे हैं सब चीज़ें। ये दोनों यहाँ पे बस सामने आ रहा है और उसके बाद ट्रक मोड़ रहा है, उसके बीच में उनका घटना हुआ, बाकी चीज़ हम आप ही बाकी लोग से बात कर पता चलेगी। मौके पर हादसा होने के बाद काफी अफरा तफरी का माहौल मचा रहा। इस हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास रहने वाले लोग भी मौके पर पहुंच गए। लोग चीखते चिल्लाते रहे और एक दूसरे को बचाने की जद्दोजहद भी करते रहे। वहीं रेस्क्यू टीम भी लगातार काम करती रही। बताया जा रहा है कि इस हादसे में बस में सवार 40 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की अब तक मौतें हो चुकी हैं, तो कई को गंभीर हालत के चलते मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं कुछ लोगों को हल्की चोट लगने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो उससे थोड़ी ज्यादा चोट लगने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नहीं, लगभग 12 पेशेंट्स को भेजे गए हैं जो दुर्घटना हुए थे, और हम लोगों ने 5 मरीज वहाँ जिला अस्पताल में भेजे हैं और लगभग 7 के लगभग मेडिकल कॉलेज में गए हैं और सबकी इलाज चल रही है और कुछ कैजुअलिटी की भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 10 एम्बुलेंस टाइम रहते हुए सब पहुँच गए थे और सभी मजिस्ट्रेट भी पहुँचे हुए, सब पुलिस सब ऑपरेशन कर रहे हैं और अभी हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कम्प्लीट हो गया है यहाँ पर और सभी अस्पताल पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम लोग ट्रैफिक को बहाल कर रहे हैं। इस हादसे पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताते हुए मृतकों की आत्मा के लिए शांति की दुआ मांगी। वहीं घायलों के इलाज के लिए डॉक्टर्स को भी निर्देशित किया। बहरहाल घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने हालात पर काबू बनाया और किसी तरह क्रेन के जरिए दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक को रोड से हटवा कर दोबारा यातायात को सुचारू रूप से शुरू कराया। इस हादसे में मरने वालों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं प्रशासन भी पीड़ित परिवारों को मदद का आश्वासन दे रहा है, साथ ही साथ जो लोग अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं उनके भी इलाज की लगातार जानकारी ली जा रही है। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ आजम खान ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।